सबसे पहले हम मरीज को कैथेटर बांधेंगे ताकि वेन जो है वो इंगॉर्ज हो जाए। इनके काफ़ी वेन इंगॉर्ज थी, इसलिए मैं निडल को अंदर वेन में इंजेक्ट कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं पीछे पुल करूँगी कैथेटर चेक करने के लिए कि कैथेटर में और फ्लैशबैक चैम्बर में ब्लड आया है कि नहीं। आप देख सकते हैं आगे कैथेटर में भी ब्लड आ गया है, पीछे फ्लैशबैक चैम्बर में भी। मतलब है कि हमारा जो वीगो है, आई वी कैनुला है, वो एकदम ठीक से वेन में पड़ गया है। चार उंगलियों से थोड़ा प्रेशर के साथ मैंने इसको दबाया है ताकि जो पेशेंट का ब्लड है वो बाहर ना आए, और उससे पेशेंट ना काफ़ी घबरा जाता है कि हमारा ब्लड बाहर आ गया। फिर मैंने ये कैपिंग कैप बंद कर दिया।